सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। हाय एवरीवन, आई एम निशांतपुरी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर गीता सीरीज चैप्टर 16 श्लोका 1 पार्ट 2। जी सर, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट अस गो थ्रू द गीता सार। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षै मा शुचः। तो वी हैव टू फॉरगेट वॉट एवर वी नो एंड टेक रिफ्यूज इन गॉड, फॉलो वॉट ही टेल्स अस टू डू एंड देन ऑल आवर डिफिकल्टीज विल वैनिश अवे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। In the last video, we started with some of the noble qualities or the good qualities which one should have, which are listed in the very first shloka of chapter 16. These qualities, as we have already discussed, these were fearlessness, purity of heart, and steadfastness in devotion to knowledge, which is हम डरेंगे नहीं। जब डरेंगे तो इसका मतलब नॉलेज की कमी है, हम नॉलेज को गेन करेंगे। अपना गोल हमेशा प्योर रखना है। और लास्टली, जब तक हमारा माइंड और बॉडी सिंक में नहीं होगा, हम नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे, हम अपना मोटिव कभी भी प्योर नहीं रख पाएंगे। ये दोनों चीज़ें सिंक में होंगी तो वो तभी होंगी जब हार्ट प्योर है। हार्ट प्योर होता है तो ये दोनों चीज़ें सिंक में होती है। हार्ट प्योर होता है जब हम फियरलेस होते हैं। फियरलेसनेस के लिए नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज और प्योरिटी ऑफ हार्ट के लिए माइंड और बॉडी का यूनिजन यानी सिंक में होना ज़रूरी है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी विच इज़ लिस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इट्स कॉल इट्स उसके बाद बोलते हैं कि चैरिटी, रिस्ट्रेंट ऑफ सेंसेस एंड सेक्रीफाइस इन वन्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं चैरिटी करना यानी दान करना, दाना दान। दान का मतलब यहाँ बताया गया है कि चैरिटी या दान सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास पहले तो ये फीलिंग हो कि मेरे पास काफ़ी है, मेरे पास काफ़ी है। दूसरा ये फीलिंग हो कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे यूज़ किया या उसने यूज़ किया, बात तो एक ही है, छोड़ो। सो सेंस ऑफ वननेस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, दान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए कैपेसिटी टू डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम वॉट एवर वेल्थ यू हैव। नंबर वन, यार जो मेरे पास है वो काफ़ी है, अबंडेंट है। यार जो मेरा है वो उसका भी तो है। लास्टली, अरे यार कौन सा ये मेरे पास जिंदगी भर रहना है, दे के छुट्टी मारो। इसका मीनिंग सीए लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, इट ऑलवेज हैपन्स कि कोई बच्चा हमारे पास आता है और या कोई भी हमारा फ्रेंड हमारे पास आता है और हमें बोलता है ये सर ने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया, एक बार प्लीज बताओगे। वी जनरली टेंड टू इग्नोर। अगर हम किसी को जानते नहीं होते तो क्या हम उसकी हेल्प करते हैं? नो। या फिर एक अलग ही एटीट्यूड के साथ हेल्प करते हैं, वो चीज़ गलत है। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स यार, इफ यू नो अ कॉन्सेप्ट एंड यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट टू समबडी, यू विल गेन सो मच मोर क्लैरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर टॉपिक।
कभी ट्राई करके देखना यार. मेरे को तो बड़ा मज़ा आता था. मैं तो अपने स्टडीज़ के टाइम पे कोई मेरे को फ़ोन करता था और बोलता था ना यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं तो कहता था चलो भाई मज़ा आ गया, अब इसको आंसर बताने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरा कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया. जब मैं इसको समझाऊंगा तो ये मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तो जो बारीकियां हैं जो मैं मिस आउट शायद कर देता वो अब ये मेरे से पूछेगा और मेरे को ये भी चीज़ें एकदम दिमाग में छप जाएंगी. चैरिटी विल ऑलवेज हेल्प यू प्रोवाइडेड यू डू चैरिटी इन द स्पिरिट ऑफ चैरिटी. दान करो दान की स्पिरिट में. जिस दिन दान किया एहसान की स्पिरिट में, वो दान का फायदा नहीं है. अकड़ के करोगे कभी फायदा नहीं होगा. कीप डूइंग चैरिटी, दान करो. अब बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रेंट ऑफ सेंसेस. ये क्या बोला है भाई? चैरिटी यानी दामा, दान. चैरिटी मीन्स दाना, रिस्ट्रेंट ऑफ सेंसेस मीन्स दामा. सी ए लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में व्हेनेवर वी हैव अ गोल इन फ्रंट ऑफ अस, वी मस्ट कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, टू गिव अ कंप्लीट लाइसेंस फॉर इंडल्जेंस टू द सेंस ऑर्गन्स इज टू वेस्ट अनप्रोडक्टिवली द टोटल ह्यूमन वाइटलिटी and to economize in the expenditure of energy through the sense organs in the field of sense objects is to discover an extra amount of untapped energy. Body में energy उतना ही है, मेरे पास भी उतने ही hours हैं exam के लिए, prepare करने के लिए, exam को देने के लिए जितने किसी और के पास हैं. ना मेरे पास hours ज़्यादा है ना किसी और के पास, सबके पास same तो है, but still ऐसा क्यों होता है कि किसी का कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है और किसी का नहीं हो पाता है. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी रियलाइज्ड. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी रियलाइज्ड. मतलब कितनी बढ़िया बात बोल गए वो. वो कहते हैं कि यार तुमने पूरा का पूरा अगर अपनी बॉडी को लाइसेंस दे दिया, माइंड को बोल दिया चल तेरे को जो करना है सारे मजे कर लो जाओ, ऐसा करके तुम अपना बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हो सब कुछ. अरे मेरा सीए फाइनल का एग्ज़ाम है और मैं जाके बोल रहा हूँ अपने माइंड को चल यार तो बड़ी अच्छी पद्मावत लगी है जी, कंट्रोवर्शियल मूवी है, चल के देखते हैं क्या होता है. कितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. सबसे बेकार तो वो होता है जो ये आज तक एबीपी न्यूज़ और ये सब लगा के देखने वाले बच्चे सबसे बेकार वो करते हैं. क्यों यार, अब न्यूज़ न्यूज़ थोड़ना है, वो तो कलेश है जो वहाँ पे बता बता के आपसे टीआरपी इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है. अब मैंने बैठ के अगर पद्मावत के अगेंस्ट, मूवी के अगेंस्ट सबके प्रोटेस्ट देखने शुरू कर दिए तो क्या होगा, मेरा दिमाग चला जाएगा ना उस डायरेक्शन में. थॉट्स से थॉट्स, थॉट्स मल्टीप्लाई करती हैं, थॉट्स टू थॉट्स दिमाग में आती हैं, वो रेस टू द पार टू अपने आप होके फोर हो जाती हैं, वो फोर रेस टू द पार फोर ओके 16 होती है. दैट्स हाउ योर माइंड वर्क्स बाबा. माइंड को कंट्रोल करने का है तो माइंड को सबसे पहले बोलना है सुन भाई मैं ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, मैं तो यहीं जाऊंगा स्ट्रेट डायरेक्शन में सिंपल. प्लीज मेक श्योर, मेरे पास अभी एक क्वेरी आई थी फेसबुक पे सॉरी यूट्यूब पे, जहाँ पे बोला कि हाउ कैन आई स्टडी फॉर लाइक 14 to 16 आवर्स, वॉट इज द राइट अमाउंट टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम्स. क्या 16 घंटे पढ़ के पेपर क्लियर होएगा? मैंने कहा किसने बोल दिया, 20 घंटे वो कभी नहीं होगा. अपने जब पढ़ने बैठते हो सामने एक टेबल क्लॉक रखो, राइट, एक घंटे बाद देखो कि मैंने कितने पेजेस कवर किए और देखो क्या और हो सकते थे, शायद 4 हुए या 6 हुए. नेक्स्ट आवर में देखो कितने हुए, 4 हुए 6 हुए. Observe your mind.
मैं मजाक नहीं कर रहा, देखना कभी पढ़ते पढ़ते कहीं पे एक लाइन लिखी आ जाएगी, उस लाइन से देखो हमारा माइंड कैसे भटकाता है। मैं ये पढ़ रहा हूँ, टू इकोनोमाइज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी थ्रू द सेंस ऑर्गन्स इन द फील्ड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स इज टू डिस्कवर एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अनटैप्ड एनर्जी। अनटैप्ड एनर्जी सुन के शायद मेरे माइंड को कुछ याद आया कि हाँ यार, ये तो उसने भी एक बार एक बात बताई थी ना, अनटैप्ड एनर्जी होती है हमारे में बहुत सारी। अच्छा हाँ, उसने बताई तो अच्छा हाँ, उस मूवी में भी तो ये वाला था यार, वो मूवी कितनी सही थी, उसके अंदर क्या होता है ऐसे हो रहा था। हाँ, उस एक्टर की और भी तो कोई मूवी आई थी, कौन सी थी, अच्छा हाँ ये वाली थी, वही हाँ ये वही तो थी। एक सेकेंड, उसके साथ वो कौन था जो सपोर्टिंग में था, सपोर्टिंग एक्टर कौन था, हाँ सपोर्टिंग एक्टर ये था, यार ये भी मस्त बंदा है, इसकी इसकी कौन सी मूवी थी, इसकी ये वाली मूवी थी, हो हाँ ये वाली थी, उसमें कितना सही था, फनी थी। इसके तो तीन पार्ट थे ना, पहला दूसरा तीसरा पार्ट में क्या था, तीसरे पार्ट में क्या था, हाँ देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, निकाल जरा मोबाइल देखो जल्दी क्या है, बस एक बार देख के रख दूंगा मोबाइल। फ्रॉम अनटैप्ड एनर्जी आई एम गोइंग टू गूगल फॉर सर्चिंग सपोर्टिंग एक्टर ऑफ सम रैंडम मूवी। दैट इज हाउ आवर माइंड प्लेज विद अस। सो अपने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सीए फाइनल के एग्ज़ाम से, लेकिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे है एग्ज़ाम से पहले, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बड़ी ध्यान से एक बात सुनना, मैं अपना मिशन छोड़ के घर से बाहर कदम रखता हूँ एक पार्टी अटेंड करने के लिए, बीट अ मैरिज सेरेमनी, बीट अ बर्थडे पार्टी, बीट अ मूवी। सी, मैं वहाँ गया, चेंज हो जाएगा, वेरी गुड, बट वाई डू यू नीड दैट चेंज जस्ट बाय, यार हम इतने सॉलिड नहीं है अभी, हम नहीं है इतने कंट्रोल में रखने वाले अपने आप को। आप बाहर गए, वहां पे अगर कुछ भी एक्स वाई जी चीज हो गई, यू मीट अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, राइट, यू मीट समबडी, यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दैट समबडी, यू सी सम स्टूपिड थिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड विच गिव्स यू थॉट्स, कि इसको सोचने के लिए मजबूर करते हैं आपको, क्या फ़ायदा, 10-15-20 मिनट भी लाइफ के बर्बाद हो गए, वो थॉट्स दिमाग में रह जाए। यार हमारा माइंड इज जस्ट अ प्रोसेसिंग यूनिट, यू गिव इट इनपुट, इट विल प्रोसेस आउटपुट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ माइंड, इट्स द फॉल्ट ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आपकी आइज ने कुछ देख लिया, आपकी ईयर्स ने कुछ सुन लिया, आपकी स्किन ने कुछ फील कर लिया, आपकी टंग ने कुछ टेस्ट कर लिया, और वो अंदर आ गया माइंड में, माइंड ने प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे दिया। कोई आउटपुट तो आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू रिलीज कर दोगे, आप आगे से कुछ बोलोगे, आप आगे से कुछ फील कर दोगे, या आप आगे से कुछ आई डोंट नो, मतलब योर सेंस ऑर्गन, आपका माइंड प्रोसेस करता है, आपको आउटपुट देता है, वो आउटपुट या तो हम सेंस ऑर्गन के थ्रू रिलीज करते हैं, या वो आउटपुट वापस माइंड में आता है नई थॉट्स के लिए। तो आपका माइंड एंगेज रहता है, जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक नई चीज़ कैसे आएगी उसमें। प्लीज़ डू नॉट अलाउ योर सेंस ऑर्गन्स टू वॉन्डर, यानी इधर उधर भटकने मत दीजिए अपने आप को। योर फर्स्ट थॉट की मैं फेसबुक पे देखता हूँ क्या है, इस फर्स्ट थॉट को किल करना ज़रूरी है। माइंड तो बोलता है मैं देखूँगा कि अपडेट क्या आया है, मैं देखता हूँ कि कोई सीए रिलेटेड अपडेट, भाई फेसबुक पे थोड़ा ना सीए रिलेटेड अपडेट आते हैं, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है, हाँ फेसबुक पे चलो, वो स्टार्टिंग पॉइंट कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाला है तुम रियलाइज भी नहीं कर सकते। प्लीज स्टॉप दैट फर्स्ट डिस्ट्रैक्टिंग थॉट। रात को प्लीज सोने से पहले एनालाइज करो कि मैंने अपनी एनर्जी आज कहाँ कहाँ वेस्ट करी। एनर्जी ज़्यादा नहीं आएगी, आप 16 घंटे प्रे करने शुरू कर दो भगवान को, भगवान थोड़ा ना आ जाएंगे। एनर्जी तो सुबह ही देते हैं, तभी तो आप उठ पाते हो, नहीं तो आप सोए सोए कट लो, टाटा बाय बाय हो जाए सोए सोए। टाटा बाय बाय नहीं हुई, इसका मतलब भगवान ने आपको एनर्जी दे तो दी आज के हिस्से की। अब उस एनर्जी को सेव करके जुडिशियसली यूटिलाइज करो, तमीज से यूटिलाइज करो, क्यों वेस्ट करते हो। चलो जाता हूँ एक मैच क्रिकेट का खेलाता हूँ, चलो जाता हूँ कुछ खा पी आता हूँ, चलो एक स्कूटर या बाइक उठाई चलो एक चक्कर काटाता हूँ, गाड़ी उठाई चलो तेज तेज म्यूजिक सुनाता हूँ। अभी वो तेज तेज म्यूजिक जो है ना, वो तेरे दिमाग में छा जाएगा,
वहाँ से थॉट्स नहीं आ जाएंगी, अगेन माइंड में थॉट्स आएंगी, माइंड प्रोसेस करेगा, या तो वो सेंस ऑर्गन के थ्रू रिलीज होंगी या वो माइंड में वापस आ जाएंगी। सेंस ऑर्गन के थ्रू अगर एक थॉट रिलीज होती है तो बंद कमरे में तो होती नहीं, किसी सामने वाले के पास होती है, सामने वाले के थॉट्स आएंगे, अगेन वो कान सुनेगा और अगेन माइंड में आएंगे, फिर आगे से होगी शुरुआत, वो सर्कल चलता रहेगा। व्हाट हैपेंड इन दिस एंटायर सर्कल, यू हैव लॉस्ट योर एनर्जी, यू हैव लॉस्ट योर टाइम। जोर जोर से मम्मी को चीखने लग जाया करो, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया यार, मेरा नाम बड़ा मन कर रहा है फेसबुक खोलने का, प्लीज़ एक काम करो मोबाइल पकड़ो और मुझे शाम तक देना मत, और मेरे सामने बैठ जाओ, देखते रहो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कुछ और ना करने लग जाऊँ। डू दैट, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करना है, मुझे पता है मेरा माइंड पे कंट्रोल अभी तो स्टार्ट हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता लोग बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में नहीं एक्सरसाइज कर पाता, ये प्रिंसिपल्स कैसे कर सकते हो? अरे बड़ी प्रॉपर चीज़ है भाई ये, बड़ी बड़ा 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 आपको टाइम लगता है इन सब चीज़ों को पकड़ने में, तो प्लीज़ टू कीप द माइंड ट्यून्ड अप टू द सेल्फ, अपने तक ही सीमित रखना अपने दिमाग को। जब आप ऐसा करोगे तो एक छुपी हुई एनर्जी, सटल एनर्जी बाहर आएगी, सामने की तरफ आएगी, एंड इट विल बी डिस्कवर्ड विद इन आवर सेल्फ्स व्हेन वी कंट्रोल अवर सेंस ऑर्गन्स विदाउट दामा, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करे बिना, एंड विदाउट चैरिटी, दाम और दान के बिना आप अपने ट्रूथ को, सच को कैसे मीट कर सकते हो, जो सामने है उसको कैसे देख सकते हो, देख ही नहीं सकते। पीपल टेल मी आई यूज टू स्टडी बट मैं फेल हो गया। यू यूज टू स्टडी फॉर 16 hours बट योर माइंड वॉज इन योर बुक्स फॉर ओनली 4 hours। डू दैट एनालिसिस फॉर योर सेल्फ, सिर्फ एक घंटा सामने घड़ी देख के पढ़ो और उसमें देखो कि तुम्हारा माइंड कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होता है। शर्त लगा लो कम से कम 2 या 3 बार डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा, उसको कंट्रोल। ये थोड़ी अजीब ट्रिक लगेगी बट एक बार करके देखना, बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। देर आर टू वेज विच आई हैव पर्सनली, दे हैव हेल्प मी, दे हैव पर्सनली, आई हैव यूज दिस टू टेक्निक्स टू कीप माई माइंड ऑन ट्रैक। सॉरी वीडियो लंबी जा रही है बट ये एकदम से आया है तो मैं शेयर जरूर करूँगा। 2 टेक्निक मैंने यूज करी हैं आज तक अपने माइंड को कंट्रोल करने में, राइट? When I just started this, 2 टेक्निक बड़ी काम की रही मेरे हिसाब से, बड़ी सारी ट्राई करी, 2 बड़ी काम की रही। पहली, इट्स कॉल्ड चांटा टेक्निक, थप्पड़ टेक्निक। द मोमेंट यू सी योर माइंड वॉन्डरिंग ऑफ, अपने मुंह पे कस के चांटा मार दो। आई नो लोग आके बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे बावला हो गया क्या कर रहे, बट एक बार करके देखना। द मोमेंट योर माइंड वॉन्डर्स ऑफ, एक चांटा, चाहे तुम्हें 10 मिनट में 50 चांटे मारने पड़े, डू दैट चांटा टेक्निक। क्यों, क्या होता है उसे? अब मेरे माइंड को ना डर लगता था मुझसे, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ना मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर मैं पढ़ते हुए इधर या उधर भटका मेरे मुंह पे थप्पड़ आके गिरेगा, तो मेरा माइंड बड़ा कंट्रोल रहता था, बड़ा ज्यादा कंट्रोल, ओए होए होए, ठीक है। फिर एक धीरे धीरे टाइम आएगा जब माइंड का नेगेटिव पार्ट बड़ा होएगा, वो कहेगा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मार लो जितने मर्जी। दैट टाइम आई यूज टू डू दिस, फॉलो दिस टेक्निक कॉल ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 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 इन 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 आउट, जस्ट 3 to 4 minutes. जस्ट 3 to 4 minutes. गीता में लिस्टेड है ब्रीदिंग टेक्निक, गीता के अंदर श्रीमद् भगवद गीता में ब्रीदिंग टेक्निक इज लिस्टेड, इट्स साइंटिफिक थिंग, इट्स वेरी साइंटिफिक बिकॉज इट हैज हेल्प मी, आई हैव यूज दैट टेक्निक। इतनी सारी ऑक्सीजन दिमाग में भेज दो, सब नेगेटिव थॉट्स क्लियर, एंड देन वेर एवर यू विल फोकस, यू विल बी एबल टू फोकस 100% एनर्जी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू द सेक्रीफाइस थिंग बिकॉज ये उसी का पार्ट है। सेक्रीफाइस मीन्स, इन द वैदिक पीरियड यज्ञ, या दैट इज यज्ञ, वॉज डे टू डे डिवोशनल रिचुअलिज्म दैट द एवरेज मैन ऑफ स्पिरिचुअल सीकिंग डिलीजेंटली प्रैक्टिस विद दिस रेगुलर प्रेयर कम पूजा विच इज द सब्स्टिट्यूट फॉर यज्ञ अवेलेबल फॉर अस
कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स विल बी इम्पॉसिबल. मैं हमेशा यही बोलता हूँ, रिलीजन इज नथिंग बट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन टू कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन्स. भगवान हर चुके हैं, भगवान सब में है, भगवान सब में है, भगवान हमें हर वक्त देख रहे हैं. क्यों बोलते हैं? दिखा आज तक कोई सीसीटीवी कैमरा? दिखा क्या भगवान आज तक तुम्हें? नहीं दिखा. क्यों नहीं दिखा? क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, भगवान तो हर जगह है. ऐसा क्यों बोला जाता है? ताकि आप डिसिप्लिन रहो. उल्टी सीधी हरकतें करते वक्त दो बार सोचो, भगवान देख रहे हैं. सुबह उठ के दिया जगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि दिया जगाने के लिए नहाओगे, और दिया नहीं जगाओगे तो ब्रेकफास्ट नहीं होगा. डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में. टिल डेट आई डू टू थिंग्स रिलीजियसली. मेरा डिसिप्लिन के लिए मैं दो चीज़ें रोज करता हूँ, आप ट्राई करके देखो. वन, दिया जगा के भगवान के सामने हाथ जोड़ के सुबह एनर्जी मांगो. आस्क थ्री थिंग्स. हे भगवान, मुझे सही राह दिखाना. ऑब्वियसली सही राह क्या है, गलत ये है, सही है, मुझे सही तो प्लीज़ दिखा दीजिए. दूसरा, उस पर चलने के लिए एनर्जी दीजिए. तीसरा, जब मैं चलना शुरू होऊंगा ना तो मेरा दिमाग बड़ी सारे नेगेटिव चीज़ें मेरे को बताएगा और दूसरे पाथ शो करेगा. उस टाइम पे इसी पाथ पे चलते रहने के लिए कन्विक्शन देना. कन्विक्शन मतलब दृढ़ निश्चय देना. और रात को सोने से पहले मैं हमेशा जाता हूँ, या जब ऑफिस से घर आता हूँ तो हमेशा भगवान के सामने जाकर बोलता हूँ, थैंक यू आपने सही राह दिखाई, थैंक यू उस पर चलने दिया, थैंक यू एनर्जी दी कि मैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया. कई बार मैं भी फेल हो जाता हूँ, दूसरे पाथ पे चला जाता हूँ, तो आके बोलता हूँ सॉरी दिस टाइम ऐसा मैं गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल मैं ऐसा नहीं करूँगा. और मैं फिर कल नहीं करता, बिकॉज मेरे को कल भी करा तो फिर वापस कैसे भगवान के सामने जाऊँगा, फेस कैसे करूँगा उनको. दैट इज़ माई वे ऑफ डिसिप्लिन, दैट्स इट. मैं ये नहीं बोल रहा मैं रिलीजन हूँ, मैं भगवान से बात करता हूँ, नो नो नो. दैट इज़ माई वे ऑफ कीपिंग माई सेल्फ इन डिसिप्लिन. तो ये जो प्रेयर है, पूजा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इट्स अ वे ऑफ कीपिंग योर सेंस ऑर्गन्स इन डिसिप्लिन. सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो जल्दी से, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम ऑफ योर्स. नॉलेज, प्योरिटी ऑफ हार्ट, स्टेइंग ऑन द राइट पाथ, यूनिजन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दान, दाम एंड प्रेयर कम पूजा. हैव सेट योर स्केड्यूल. प्रेयर पूजा डज नॉट मीन कि आरतियाँ पढ़ो सुबह सुबह उठ के, नो. प्रेयर कम पूजा हेयर सिंपली मीन्स अपने ऊपर देखो आप किस तरह से डिसिप्लिन रहोगे. ओके, स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड. उस दिन हमने बोला था माइंड और बॉडी को साथ में रखेंगे, आज हम ये अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि हम चैरिटी वाला भाव रखेंगे, जो शायद अभी आपके लिए इतना रेलिवेंट ना हो, बट सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी एक्सेस एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे. लास्टली कोई एक डेली प्रेयर का स्केड्यूल डालना शुरू कर देंगे, भगवान के सामने जाना शुरू करेंगे, ताकि डिसिप्लिन बना रहे. ओके, ओवर एंड आउट.